हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे एक इजी और झटपट बनने वाली स्नैक रेसिपी जिसका नाम है मसाला टोस्ट। मसाला टोस्ट आप किसी भी ओकेजन पे झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मसाला टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मसाला टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से डायगोनली कट कर लेंगे। अब सभी ब्रेड स्लाइसेस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस फ्राई हो जाने पर हम मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन और इसे लो फ्लेम पर हम तब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन की रॉ स्मेल ना निकल जाए और बेसन हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये बेसन हमारा अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। रोस्टेड बेसन में अब हम सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस मसाला मिक्स को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। हमारा मसाला मिक्स अब ठंडा हो चुका है और सभी ब्रेड स्लाइसेस भी तैयार है। तो अब हम सभी ब्रेड स्लाइसेस पे ये मसाला की कोटिंग लगाएंगे। और अब इस पे फ्रेश धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारे मसाला टोस्ट। आप भी इन्हें बनाकर देखिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।